चलिए पी ब्लॉक के तत्वों के अंतर्गत आखिरी गैसों का उपयोग और आखिरी गैसों के उपयोग के अंतर्गत आर्गन के उपयोगों पर चर्चा करते हैं। तो प्रथम उपयोग इस प्रकार से, हीलियम के साथ इसका उपयोग एल्यूमिनियम व स्टेनलेस स्टील के वेल्डिंग के लिए आखिरी वातावरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अर्थात हीलियम के समान इसका भी उपयोग एल्यूमिनियम व स्टेनलेस स्टील के वेल्डिंग के लिए आखिरी वातावरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अगला बिंदु इस प्रकार से, विद्युत बल्बों में 25% नाइट्रोजन के साथ आर्गन गैस भरी जाती है। आर्गन गैस के साथ साथ विद्युत बल्बों में क्रिप्टॉन गैस का भी उपयोग किया जाता है, किंतु क्रिप्टॉन गैस आर्गन गैस की तुलना में महंगी पड़ती है। अतः विद्युत बल्बों में 25% नाइट्रोजन के साथ आर्गन गैस भरी जाती है। आर्गन गैस क्रिप्टॉन की तुलना में सस्ती पड़ती है। अतः हम कह सकते हैं अधिकतर विद्युत बल्बों में 25% नाइट्रोजन के साथ में आर्गन गैस भरी जाती है। अगला बिंदु इस प्रकार से, इसका उपयोग रेडियो वाल्वों में किया जाता है। नेक्स्ट बिंदु इस प्रकार से, विभिन्न रंगों का प्रकाश उत्पन्न करने के लिए आर्गन को नियान के साथ विसर्ग नली में मिश्रित किया जाता है। अर्थात विभिन्न रंगों का प्रकाश उत्पन्न करने के लिए आर्गन को नियान के साथ मिश्रित करके विसर्ग नली में भर दिया जाता है। इस प्रकार से हमने आर्गन के उपयोगों पर चर्चा की।